हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस दिन मैंने रियल आंसर्स के भी वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट किया, मैंने काफी सारे वीडियोज यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ रियल पे, तो आप यहाँ जो आईटी भी यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते। सो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबिलिटी पे कुछ थ्योरम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी और लिमिट के ऊपर वीडियोस बनाया तो वो भी आप आईटी पे जाके देख लीजिए ताकि ये जो थ्योरम के प्रूफ है ये बहुत अच्छा आपको समझ में आए, राइट। तो इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम ये है और ये एग्जाम में पूछी जाती है प्रूफ एज ए प्रूफ क्या होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन फर्स्ट थ्योरम ये बोलती है कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट देन इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू या नॉट नेसेसरली ट्रू। मतलब ये होता है कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस होगा बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, राइट। तो हम इसको प्रूव करते हैं, कैसे इसको प्रूव करेंगे। सुनिए, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन लिया, लेट फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल, क्योंकि गिवन है कि डिफरेंशियबल है। अब आपको ये प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस भी, राइट। तो डिफरेंशियबल है तो हम जानते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन होती है, राइट, है ना। क्या होता है स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एस, आई टी पे जाके डिफरेंशियबिलिटी आप देख सकते हैं, राइट। अब ये हम जानते हैं, अब हम ये लेके चलते हैं, राइट। इसमें हमने ये लेके चला, मतलब हम ये लेके चले एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस, सॉरी दिस इज एफ सी है ना, माइनस एफ सी, ये हम लिया है ना, दोनों बराबर। अब हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे एक्स माइनस सी और एक्स माइनस सी दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर, वही हमने किया है ना। इसमें एक्स माइनस सी से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, क्या लेते हैं दोनों तरफ लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी, हम जानते हैं कि इसकी जो लिमिट होती है ये मैंने अभी आपके सामने बताया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ डेट सी हो जाता है ना, ठीक है, ये एफ डेट सी हो जाएगा। पर सुन, जैसे ही एक्स इज इक्वल टू सी रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा है ना, तो यहां से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी, राइट। इसका मतलब ये जीरो आ गया, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो आ गई। मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो आ गया, राइट। इसका मतलब ये लिमिट अंदर गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस, अभी ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे तो लिमिट लगने वाली है नहीं, है ना, वेरिएबल एक्स पे लिमिट लगेगी, राइट। इसका मतलब ये हुआ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू पॉइंट पे फंक्शन के बराबर है तो वो हमारे पास क्या होता है, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ गई, राइट, है ना। तो हमने इसको बहुत इजीली प्रूव कर दिया कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, राइट, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो सी पे फंक्शन के बराबर आ रही, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो यही मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। नाउ वी हैव टू शो दैट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, है ना। तो इसमें ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है, दिस इज द कन्वर्स एग्जांपल, हम जानते हैं कि ये फंक्शन जो होता है ये कंटिन्यूस होता है बट डिफरेंशियबल नहीं होता एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो ग्राफ है उससे भी आप समझ सकते हैं, ये इसका ग्राफ होता है और इसमें हर जगह फंक्शन क्या कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है ना, मतलब उसका ग्राफ खींचे तो कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी, राइट, है ना। पर यहाँ पे आपको शार्पेज मिल रहा है ना, जब भी शार्पेज जिस पॉइंट पर मिलता है वो पॉइंट वहां पे क्या होता है, डिफरेंशियबल नहीं होता। तो यहां पे ओरिजिन पे फंक्शन जो होगा ये डिफरेंशियबल नहीं होगा, राइट। तो कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशियबल, है ना, बट डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ये इस थ्योरम का प्रूफ था, राइट। तो दिस इज द कन्वर्स, राइट, एग्जांपल। इसमें नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। मतलब आपको ये प्रूव करना कि कोई भी इवन फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा ऑड होता है। चाहे आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा विच इज ऑड, राइट। साइन एक्स का लेंगे मतलब कॉस एक्स का लेंगे, कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है, राइट, पर जैसे उसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा विच इज ऑड, राइट। तो ये थ्योरम है, अगर इसको एग्जाम प्रूफ करने के लिए पूछा जाए तो कैसे करेंगे। सो लेट एफ एक्स इज इवन फंक्शन, मान लिया कि इवन फंक्शन, हम जानते हैं कि इवन फंक्शन की जो परिभाषा होती है वो हमारे पास क्या होती है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इस दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, हम क्या करते हैं इसमें दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, है ना, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, राइट। हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव करेंगे दिया आएगा एफ डैश और माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस वन होगा, राइट, एंड ये इसको हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स, क्लियर है। तो हम जानते हैं ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये क्या आएगा, माइनस को एफ माइनस एक्स, और अब देखो ये हमारे पास किसकी परिभाषा आ गई, या इस माइनस को उधर ले लो, सबसे बेस्ट एक काम करते हैं, इसको ऐसा ना लिख के इसको ऐसे लिख दो,
राइट है ना. स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि एफ डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ डैश एक्स आ गया, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ये ओड आ गया है ना, क्योंकि जैसे माइनस एक्स दिया माइनस आ गया राइट, इट मीन्स ये क्या होगा, ओड फंक्शन होगा. इस तरह से इसको हम यहाँ पे बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं राइट. सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट अगला, ये सी एस आई आर नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बट ठीक है समझ लीजिए क्या, और लेट एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ आई फॉर ऑल एक्स एंड वाई. अब आपको याद रखा कि एफ फाइव इज इक्वल टू टू एफ जीरो एफ डैश जीरो, इसमें डेरिवेटिव है एफ डैश जीरो इक्वल टू थ्री. देन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ डैश फाइव, एफ डैश फाइव की वैल्यू क्या होगी राइट. तो सर हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, स्टूडेंट अगर आपको डेरिवेटिव निकालना तो क्या होता है स्टूडेंट, एफ डैश हमारे पास यहाँ पे आएगा एफ डैश एक्स है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे एक्स प्लस जो भी हमारे पास लाइक एच पे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना, लाइक हमारे पास एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच होता है राइट. तो ये एक्स है तो एक्स प्लस एच हमारी डेफिनेशन होती है डिफरेंशियबिलिटी की, तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. अब हम एच पे बात कर रहे हैं राइट, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या होगा इसमें एफ हम एफ डैश एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, एफ डैश फाइव को हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ फाइव प्लस एच माइनस एफ फाइव डिवाइडेड बाई एच राइट. अब हम जानते हैं सुनिए यहाँ पे कि जो फाइव है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस फाइव लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ये फाइव है इसको हम जीरो प्लस फाइव लिख सकते हैं है ना. अब इसमें बाय दिस डेफिनेशन कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो ये जो हमारे पास है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एफ फाइव इंटू एफ एक्स, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एफ फाइव इंटू एफ जीरो. इसमें यहाँ पे देखिए आप यहाँ से एफ फाइव क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमन आ जाएगा राइट है ना. तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे है ना, यहाँ से जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है एफ फाइव को बना रहा राइट. तो ये होगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ से हमारे पास f5 फाइव कॉमन आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट एफ एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई h, और हम इसको थोड़ा सा इज्जत से ऐसे लिख सकते हैं कि f5 फाइव इज इक्वल टू ये हमारे पास सॉरी f डैश फाइव इज इक्वल टू ये f5 को बाहर निकाल दीजिए एंड इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं f जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच. इसमें यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर 5 था तो इसकी वैल्यू यहाँ पे एफ डैश फाइव थी, यहाँ पे 0 है ना एक्चुअली, एच को हमने 0 प्लस एच दी थी. इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश फाइव इज इक्वल टू सॉरी क्या होगा सुनिए एफ डैश फाइव इज इक्वल टू ये होगा हमारे पास एफ फाइव इंटू एफ डैश जीरो हो जाएगा राइट. अब हमारे पास सबकी वैल्यू दे रखी है ना, तो इसमें एफ डैश फाइव की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये हमें निकालनी है राइट. सो एफ डैश फाइव इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट एफ फाइव, एफ फाइव की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड एफ डैश जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी 3 है, तो सुनिए यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 6 के बराबर आ जाएगी. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं राइट. तो यही मैंने यहाँ पे समझा रखा है ना, देखिए आप स्टूडेंट इसको मैंने यहाँ पे यही समझा रखा है ना, ये हमारे पास एफ डैश जीरो आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी राइट. स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन ऑन एम सच दैट एक्स पावर एम साइन वन बाई एक्स वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो वेर एक्स इज इक्वल टू जीरो इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. आपसे पूछा जा रहा है कि m की किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा डिफरेंशियबल होगा राइट. तो सुनिए यहाँ पर डेफिनेशन लगेंगे डिफरेंशियबिलिटी की राइट. हम जानते हैं कि अगर डिफरेंशियबल है तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी सॉरी सुनिए यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी होता है राइट. अब हम जीरो पे चेक कर रहे हैं राइट. तो सुनिए यहाँ पर x टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो हो जाएगा, सी की जगह जीरो रख देंगे राइट. अब एफ एक्स स्टूडेंट एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी ये रहेगी है ना, तो ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू जीरो ये आएगा हमारे पास x पावर m साइन वन बाय एक्स और जीरो पे तो जीरो आ रहा है तो ये जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा एक्स. सुनिए एक्स से कैंसिल होगा तो एक्स पावर एम माइनस वन होगा. अब हम जानते हैं कि इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, देखो अगर ये नहीं रहा है ना तो ये तो हमारे पास ऑसिलेट कर जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए एक्स पावर एम माइनस वन एक्स, मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी, मतलब ये हमारे पास क्या होना चाहिए कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि एम माइनस वन जो है वो क्या होना चाहिए वन और वन से बड़ा होना चाहिए राइट. अगर वन और वन से बड़ा होगा तो यहाँ पर एक्स की जगह जीरो रखेंगे पूरा जीरो हो जाएगा राइट. अगर यहाँ पर ये जीरो होगी मान लीजिए कि हमारे पास जीरो मतलब इसकी पावर वन ये एम की जगह वन रखा राइट तो ये एक्स पावर जीरो वन हो जाएगा और वन रखने पर ये साइन वन बाई एक्स ऑसिलेट कर जाएगा मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. मतलब यहाँ पे इसकी जो पावर है वो एम माइनस वन जो है वो एक और एक से बड़ी होनी चाहिए राइट है ना. क्या होनी चाहिए स्टूडेंट एक और एक से बड़ी होनी चाहिए राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि एम इज इक्वल टू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा, मतलब इसकी पावर है दो और दो से बड़ी होनी चाहिए, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एम इज ग्रेटर देन वन राइट, ऐसा भी लिख सकते हैं राइट. दोनों ही बात बराबर है ना, तो यही हम यहाँ पे करेंगे. तो इसमें देखिए यहाँ पे वही आएगा x इज इक्वल टू एम माइनस वन, हम जानते हैं इस एम माइनस वन क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए राइट है ना. तो m इज ग्रेटर देन वन, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू है ना. ऑब्वियसली वन से बड़ा है तो दो और दो से बड़ा होगा. वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वन से बड़ा
और भी कुछ वैल्यू हो सकती है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ये वन से बड़ा ही लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि वन से बड़ा जो होगा हमारे पास, है ना, वन से बड़ा अगर हमारे पास यहाँ पे m इज ग्रेटर देन 1.1 भी हो जाएगा तो भी चलेगा. सो m इज ग्रेटर देन 1 इज राइट आंसर, है ना, दो नहीं, m इज ग्रेटर देन 1 लिख के चलिए, राइट, है ना. सो एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0 फॉर m इज ग्रेटर देन 1, क्लियर. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. और लास्ट में मेरे वीडियोस हैं, ये जनरल एप्टीट्यूड की जो मेरा नया चैनल है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. इसमें नहीं, मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर मैं हायर मैथमेटिक्स की वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ. ये पूरी रियल आंसर्स की प्लेलिस्ट है. इसमें मॉडर्न एल्जेब्रा, लीनियर एल्जेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ओडीपीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, एनए, जितने भी है मैक्सिमम पे मेरे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और कुछ के भी और करने वाला हूं. सो बने रहिए मेरे साथ. और ये दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा नया चैनल है जहां पर मैं एप्टीट्यूड और आईआईटी-जैम गेट पे काम कर रहा हूं. सुनिए मेरा पुराना चैनल जहां पर आप हायर मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद.